इसमें ला यानी लाई नफी जिन्स नकरा मुफर्दा मा तकरार हो उसके हवाले से गुज़श्ता दर्स में बताया था कि पांच वजहें इसमें जायद हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, इसकी पांचों वजहें और इसकी तरकीब के हवाला से गुफ्तगू हुई थी। अब मज़ीद इसकी अमसिला आप खुद बनाने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ चंद मिसालें लिखी हैं, ला तआमा वला मा फिद्दार, घर में ना तो खाना है और ना ही पानी है। ला बकरा ता वला शाता फिल मरा, चरागाह में ना तो गाय है और ना ही बकरी। ला बाइया वला मुश्तरिया फिस सूक, बाजार में ना तो बेचने वाला है और ना ही ख़रीदने वाला है। ला कलमा वला कुर्रासा तंदा ज़ैदन, ज़ैद के पास ना तो कलम है और ना ही कापी। ला मुअल्लिमा वला मुतअल्लिमा फिल मदरसती, मदरसा में ना ही ना तो मुअल्लिम है ना ही मुतअल्लिम। ला इमामा वला मुसल्लिया फिल मस्जिद, मस्जिद में ना तो इमाम है और मुसल्ली की जगह मुक्तदी कर लें। ये ज़्यादा इमाम और मुक्तदी का तकाबुल आता है ना, तो मस्जिद में ना ही इमाम है ना ही मुक्तदी। ला दिरहमा वला दीनारा इंदी, मेरे पास ना तो दिरहम है और ना ही दीनार। ला कलंसुआता वला इमामाता इंदी, मेरे पास ना तो टोपी है और ना ही इमामा है। ठीक है, मैंने ये चंद मिसालें बनाई हैं, आप मज़ीद मिसालें बनाएं इसकी। कोई भी मतलब दो चीज़ों की आपने नफ़ी करनी है कि वो घर में नहीं है, मदरसे में नहीं है, मेरे पास नहीं है, फलां के पास नहीं है। ठीक है, इसकी मिसालें आप आज ख़ुद कोशिश करें बनाने की। कोई भी दो चीज़ें हैं आप उनकी नफ़ी कर दें कि मेरे पास ये दो चीज़ें नहीं हैं। जैसे ला कमीसा वाला रिदा इंदी, मेरे पास ना तो कमीज़ है ना ही चादर है। इसी तरह कोई आप घड़ी ले लें और घड़ी के साथ कोई और चीज़ मिला लें। ठीक है, तो ला साता वाला कलम इंदी, मेरे पास ना घड़ी है और ना ही कलम है। कोई भी दो चीज़ें आप मिला सकते हैं। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के जो फ्रूट हैं आप उनको ले लें। तो ला मौज़ा वला तुफाह इंदी, मेरे पास ना तो केला है और ना ही सेब है। और इसी तरह कोई भी दो चीज़ें ले लें और उनको आप नकरा मुफर्दा की शक्ल में ले आएँ, यानी ना वो मुजाफ हो ना मुशाबे मुजाफ हो, नकरा मुफर्दा हो, मुर्रबिल लाम भी ना हो। तो इस तरह मिला के आप मिसालें जितनी चाहें बना लें। और वही पाँच वजह जैसे वहाँ बनाई थी हमने, वो इन मिसालों के अंदर भी वो पाँच वजह जायद हो जाएंगी। और आपको मैंने बताया था मिसाल के तौर पे ये से है, ये मिसाल ला दिरहमा वला दीनारा इंदी। तो मैंने बताया था भी ये ला इसम के साथ मिलके तो ये बन जाता है मुरक्कब। तो जिस तरह आहदा आशारा, आहदों व आशारुन था, वाव को हज़फ किया, आहद आशार को मिलाया, तो अब ये मुरक्कब बन गया, ये हो गया मबनी, दोनों जो मबनी बरफा था। इसी तरह यहाँ पर भी ये ला को दिरहम के साथ जब ये मिल जाता है ला के साथ, तो ला दिरहमा ये गोया के मुरक्कब बन गया और ये मबनी बरफता हो गया। तो जैसा ये है, अब इसी तरह इस ला को भी आप लाइन ऑफ इग्निस बना लें, तो ये दिनारा जो है वो भी ला के साथ मिल के मुरक्कब शक्ल बन के मबनी बरफता हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सूरत ये है कि ये आप मबनी बरफता ही रखें ला दिरहमा को, और उसके बाद अगली यह है ला दिनारा, इसमें आप नस्ब ले आएँ ला दिरहमा वला दीना रन, तो ये ला ज़ायद आ जाएगा, दीनारा का तफ़ आ जाएगा दिरहम पर। और ये चूँकि ला का जो इसम है ये महल्ले नसब के अंदर है, क्योंकि ला इन्ना की तरह अमल करता है, तो महल्ले नसब के अंदर है, इस वजह से इसमें नसब पड़े वला दीना रन इंदी। फिर आप चाहें तो
इस लाकुम शबा भी लैस बना लें, इसकी खबर अलग बना लें, लादी रहमा इंदी और वला दिनार रुन। अब लाकुम शबा भी लैस बना के पढ़ लें, ठीक है। तो जब आप इस पर इसको मबी में फतह पढ़ेंगे तो इद मातूफ के अंदर तीन वजह जायद हैं, एक मबी में फतह पढ़ना और दूसरा नसा पढ़ना तनवीन के साथ और तीसरा इसमें रफ़ा पढ़ना लाम शबा बिलैस बना के। इसी तरह मैंने बताया था कि अगर ये तो अब मबनी पर फतह है, अगर इसको अब महल नसब में बना लें यानी मंसूब पढ़ें तो फिर आपको वो ला गुलाम और राजुल वो मिसाल लानी पड़ेगी। तो उसमें भी फिर जब ला का इसम वो मंसूब हो फिर भी मातूफ में तीनों वजह जायद हैं, रफ़ा नसब और यानी अपना नहीं फतह मबनी पर फतह और उसके बाद नसब और जज़्म। और जब अब यहाँ पर ला का जो इसमें इसको अब रफ़ा पढ़ लें यानी लाम शबा भी लैस बना लें तो ये मरफू हो जाएगा। अब इसका आप अतफ़ डालें अगर ला को दायदा मांगे तभी रफ़ा पढ़ेंगे, लाम शबा भी लैस बना तभी आप रफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रफ़े वाली शक्ल होगी। दूसरी सूरत ये है कि आप ला तो का जो इसम है इसको तो आप रफ़ा ही पढ़ें लाम शबा भी लैस बना के, और इधर क्या करें ये ला को नफी जिस बना के ला दिनारा पढ़ें बबी फतह पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर नसब जायद नहीं होगी, क्यों? इसलिए कि अगर तो आप पीछे अतफ डालें तो पीछे भी चूँकि लाम शबा भी लैस है तभी रफ़ा है, अगर लाम शबा भी लैस बनाए तभी रफ़ा है, लाई नफी जिनस बनाएं तो फिर मबी में फतह पढ़ सकते हैं। पीछे महल नसब नहीं है कि जिस पर आप अतफ डालें और ये मंसूब पढ़ा जा सके। तो यूँ पाँच वजह इसमें भी याद है, ला दिरहमा वला दिनार इंदी, ला दिरहमा वला दिना रन इंदी, ला दिरहमा वला दिना रुन इंदी। अब इधर रफ़ा लें, ला दिरहमुन वला दिनारुन इंदी, ला दिरहमा वला दिनारा इंदी, समझ आ गई। इस और आप मिसालें बनाएं और मैं आप पाँचों वजहों का इजरा करें, सिर्फ रट्टा ना हो लाहौल रट्टा लगा के आप पाँच वजह कर लें लेकिन आपको जो समझ ना हो तो समझ के अला वजल बसीरत फिर मज़ीद मिसालें बनाकर उनको इस पांचवी वजह के साथ पढ़ें ताकि आपके अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए।